अमेजिंग हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस जो कि आपने मिस कर दिए होंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नए ट्रेलर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। इस शॉर्ट में हम लोग गार्डियंस को नोवेयर पर देखते हैं और यहाँ पर इन्होंने जो सूट पहना हुआ है एग्जैक्टली यही सूट कॉमिक बुक में गार्डियंस के पास होता है। और हाँ, MCU में भी कॉमिक एक्यूरेट सूट आ चुके हैं। और यहाँ मार्वल स्टूडियोज का जो लोगो है वो वैसा ही है जैसे कि गार्डियंस की पहले मूवी में पीटर के कैसेट का था। इस सीन में आप नेबुला का नया आर्म स्पॉट कर सकते हो। ये आर्म हमें हॉलीडे स्पेशल में भी दिखाया जा चुका है, लेकिन नए ट्रेलर में आप इस आर्म को एक स्वॉर्ड में बदलते हुए देख सकते हो और इस आर्म में कई सारी एबिलिटीज भी होंगी। हाई एवोल्यूशनरी जो कि इस मूवी का मेन विलन है, कॉमिक बुक की तरह वो खुद को मशीन और लिविंग बींग का एक हाइब्रिड बनाता है और उसके दो डिफरेंट लुक्स हमें ट्रेलर में दिखाए गए हैं। एक तो मोस्टली पास्ट का होगा जहां वो प्रॉपर बज कट हेयर स्टाइल में है और एक नॉर्मल सा सूट पहना है, और सेकंड लुक जो प्रेजेंट का होगा और यहां पर क्लियरली उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है, खुद को हाइब्रिड बना लिया है और उसका फेस भी हमें मास्क की तरह दिख रहा है जो उसके हेड से परमानेंटली अटैच है। और सिंस उसने खुद को हाइब्रिड बना लिया है तो उसके पास भी अब सुपर पावर्स होंगी। और यहाँ हमें हाई एवोल्यूशनरी का काउंटर अर्थ भी दिखता है और इसी अर्थ पर हमें पिछले ट्रेलर में हमें कुछ हाइब्रिड क्रिएचर्स दिखाए गए थे। हाई एवोल्यूशनरी ने अर्थ का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की है परफेक्ट क्रिएचर्स के साथ, और उसने ट्रेलर में भी बोला है वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके हाइब्रिड बना के एक सोसाइटी बनाना चाहता है। और यहाँ पर हम रॉकेट रकून पर एक्सपेरिमेंट होते हुए देख सकते हैं, और आपको पता ही होगा कि रॉकेट रकून को भी हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाया था उस पर एक्सपेरिमेंट करके, और ये मूवी उसी की बैक स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली है। यहाँ पर आप 89P13 लिखा हुआ देख सकते हो, और रॉकेट रकून के नाम से पहले हाई एवोल्यूशनरी के पास उसका नाम 89P13 ही था, और गार्डियंस के पहले मूवी में आप यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ देख सकते हो। और यहाँ पर हम गार्डियंस को हाई एवोल्यूशनरी के मेन हेडक्वार्टर में जाते हुए देख सकते हैं। जैसे वो टेक को लिविंग थिंग्स के साथ कंबाइन करता है वैसे ही कुछ उसका हेडक्वार्टर भी है। यही पीटर और उसकी पूरी टीम को भी पकड़ लिया जाता है, और बैकग्राउंड में हम जो ये लाइट देखते हैं वो भी हाइब्रिड है। और यहाँ पर फर्स्ट मूवी के जैसे एक प्रिजन एस्केप सीन भी होगा, और यहाँ पर हम रॉकेट को ग्रू के एक शोल्डर पे देखते हैं जैसे कि पहले मूवी में था। क्रैगलिन को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि योंडू के याका एरो के साथ है, और सेकंड मूवी से ही वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो सिंस ये गार्डियंस की लास्ट मूवी होने वाली है तो क्रैगलिन भी हमें स्पॉटलाइट में दिखेगा याका एरो को फुल्ली कंट्रोल करते हुए फुल पोटेंशियल के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि योंडू करता था। यही पर अगर एडम वॉरलॉक पर आए तो ये वही एडम है जिसे आयशा ने सेकंड मूवी में टीज किया था, और कॉमिक बुक की तरह ही उसके फोरहेड पे एक स्टोन है। लेकिन जहाँ कॉमिक बुक में एडम के फोरहेड पे सोल स्टोन था जो कि उसे हाई एवोल्यूशनरी ने दिया था, बट सिंस MCU में अभी सोल स्टोन नहीं है तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टोन है कौन सा। एडम वॉरलॉक यहाँ पर क्लियरली गार्डियंस के पीछे है, और अगर इसके बैकग्राउंड पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि इसने गार्डियंस पर दो बार हमला किया है, एक नोवेयर पर और दूसरा काउंटर अर्थ पर। इन दी एंड एडम गार्डियंस की टीम में ही आ जाएगा। इस शॉट में ग्रूट एडम के ऊपर छलांग लगा देता है, और यहाँ पर एडम गार्डियंस पर अटैक करेगा काउंटर अर्थ पर, जिसमें रॉकेट घायल हो जाता है। तभी गमोरा उसे लेकर भाग रही है, और यहाँ पर हम रॉकेट की लव इंटरेस्ट लायला को भी देख सकते हैं, और इस पर हाई एवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। और यहाँ पर आप उसका मैकेनिकल आर्म भी देख सकते हो, और यहाँ पर हम सर्कुलर कैमरा मूवमेंट के साथ एक एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जिसमें पीटर और ग्रूट एक साथ है, और यही सेम कैमरा मूवमेंट हमें MCU में कई और मूवीज में दिखाया गया है जैसे कि अवेंजर्स में, गार्डियंस की पहली मूवी में, या फिर इन्फिनिटी वॉर में। ट्रेलर में हमें कुछ नए क्रिएचर्स भी दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो कॉस्मो द स्पेस डॉग, जिसको स्पेस में भेजा गया था, जिसके बाद ये कलेक्टर को मिला और कलेक्टर ने उसे अपने कलेक्शन में रख लिया। तो जब से गार्डियंस ने नोवेल को खरीद लिया है तब से कॉस्मो भी उनके साथ ही है। और यहाँ पर भी एक शॉट में हमें एक क्यूट सा क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि गार्डियंस की टीम में होगा, और इसका नाम ब्लर्प है। और यहाँ पर टीम वाले शॉट में आप इसे बैकग्राउंड में स्पॉट कर सकते हो। और यहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी का ये शॉट कंफर्म करता है तो उसके पास सुपर पावर्स होंगी जो कि उसे आर्मर से मिलेंगे। इस ट्रेलर में हमें जो गार्डियंस की शिप दिखाई गई है वो ना तो बिलानो है या फिर बिना टेल, बल्कि इसे हॉलीडे स्पेशल में भी दिखाया गया था, और जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि इसका नाम बॉबी है। तो यही है हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस
जो कि मैंने इस ट्रेलर में स्पॉट किए। अगर आपने भी कुछ हिडन नोटिस किया होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।